बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ बाय कहकशां। व्यूवर्स, आज मैं आपको मैंगो स्मूदी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत क्विक और इजीली बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो आई व्यूवर्स, हम मैंगो स्मूदी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो स्मूदी बनाने के लिए हमें जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है वो हैं, दो बड़े साइज़ के आम, 3 ग्लास दूध, दूध यहाँ पर हमने फुल ठंडा ले लिया है, थोड़ा सा पिस्ता फॉर गार्निशिंग और 4 टेबलस्पून शुगर। तो व्यूवर्स, अब हम सबसे पहले मैंगो को वॉश करके और इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लेंगे। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ ऐसे कर लीजिएगा, या जैसे आप करना चाहें ऐसे आप इन पे कट्स लगा लीजिएगा एक नाइफ की मदद से। कट्स लगाने के बाद हम एक स्पून की हेल्प से इसके पील से क्यूब्स को सेपरेट कर लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, मैंगो को हमने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। आए अब हम मैंगो स्मूदी बनाते हैं। मैंगो स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर के जग में हम मैंगो के क्यूब्स ऐड कर देंगे। मैंगो ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। और सबसे पहले हमने मैंगो और शुगर की प्यूरी बना लेनी है। व्यूवर्स, आपने इधर दूध या पानी थोड़ा सा भी ऐड नहीं करना, मैंगो भी ऑलरेडी जूसी होता है तो उसी के जूस के अंदर ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हमें चीनी और मैंगो को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इनकी प्यूरी बना लेनी है। जब मैंगो प्यूरी अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो उसके अंदर से हम 4 टेबलस्पून मैंगो प्यूरी निकाल लेंगे और बाकी की प्यूरी में हम अपनी मैंगो स्मूदी बनाएंगे। तो 4 टेबलस्पून मैंगो प्यूरी निकालने के बाद हम बाकी की प्यूरी के अंदर दूध ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 3 ग्लास दूध ले रहे हैं, लेकिन मैंगो की प्यूरी भी है तो ये टोटल मिल के 4 ग्लास बन जाएगी, 4 ग्लास स्मूदी बनेगी। अब हम मैंगो प्यूरी और दूध को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैंगो प्यूरी हमने यहाँ पर इसलिए पहले बनाई है कि इस तरह से हमारी मैंगो स्मूदी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप डायरेक्ट दूध ऐड कर देते पहले ही उसके अंदर, तो एक तो गार्निशिंग के लिए हम मैंगो प्यूरी ना ले सकते, और दूसरा मैंगो स्मूदी के अंदर हमारे मैंगो के छोटे छोटे चंक्स भी रह सकते हैं। ये देखें, मैंगो स्मूदी हमारी हो चुकी है रेडी, जो कि बहुत थिक बनी है। व्यूवर्स, एक बात और याद रखना कि दूध हमने फुल ठंडा लिया था, इसके अंदर हमने आइस बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, वरना हमारी स्मूदी पतली हो जाएगी। अब हम मैंगो स्मूदी को ग्लास के अंदर निकाल लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, आप देख सकते हैं काफ़ी थिक स्मूदी बनी है। और ये जो हमने 4 टेबलस्पून मैंगो प्यूरी रखी थी, इसे हम मैंगो स्मूदी के ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। देखिए व्यूवर्स, कितनी खूबसूरत दिख रही है। व्यूवर्स, हमने पिस्ते को मोटा मोटा कूट लिया था, अब हम इसके ऊपर पिस्ता ऐड कर देंगे। देखिए व्यूवर्स, कितना खूबसूरत दिख रहा है। मैंगो स्मूदी के बाद के साथ जब पिस्ता आपके मुँह में आएगा तो बहुत डिलीशियस टेस्ट आएगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी झटपट से तैयार हो जाने वाली मैंगो स्मूदी हो चुकी है रेडी, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। आप अपने घरों में इस स्मूदी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपकी मैंगो स्मूदी कैसे बनी। मज़ीद अगर आप किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्या बनाऊँ।
और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।